ये शब्द भले अलग है लेकिन इसके मायने कभी अलग नहीं हुए। फिल्मी गलियारों की बात हो, असल जिंदगी की बात हो, आम जिंदगी की बात हो, किसी युवा पीढ़ी की बात हो या पुराने जमाने की बात हो, प्यार एक ऐसा सच है जिसके बिना ये दुनिया टिक नहीं सकती। प्यार और भरोसा जिसकी बदौलत आज जिंदगी कई एक है। कई जिंदगी एक है तो कई लोग एक दूसरे से दूर भी है। प्यार एक ऐसा सच है जिसके बिना शायद ही कोई रिश्ता जिंदा हो। प्यार एक ऐसा सच है जिसके बिना कोई भी अधूरा है। लेकिन आज हम आपके बीच लेकर आए हैं हमारा प्रोग्राम अनटोल्ड लव स्टोरी, अधूरे किस्से के साथ। एक बार फिर से मैं तृप्ति हाजिर हूँ स्पेशल एपिसोड के साथ, एक अधूरे किस्से के बारे में आपको रूबरू कराने के लिए। दो प्यार करने वालों की कहानी के साथ, दो ऐसे प्रेमी जोड़ी को लेकर आए हैं हम आपके बीच जिनका प्यार फिल्मी गलियारों से लेकर फिल्मी पर्दे के पीछे भी खूब चर्चा बटोरता रहा। सालों तक दोनों के प्यार के किस्से सामने आए लेकिन दोनों के प्यार को मंजिल कभी नहीं मिला, ना ही वो सवाल का जवाब मिला जिसमें ये था, क्या वाकई में रेखा ने रचाई थी विनोद मेहरा के साथ शादी। जी हाँ, बॉलीवुड से अचानक, फिल्म इंडस्ट्री से अचानक गायब हो जाने वाले एक ऐसे एक्टर जिन्होंने सिर्फ 45 की उम्र में हमेशा के लिए जिंदगी को हो गए सबकी आंखें नम कर दी थी। वो विनोद मेहरा जिन्होंने बॉलीवुड में तमाम फिल्में दी, जिनकी एक्टिंग का जादू बॉलीवुड में खूब चला, लेकिन 80 के दशक की शुरुआत होते होते वो बॉलीवुड से पूरी तरह से दूर हो। बता दें हम आपको, आज के प्रोग्राम में हम रेखा और विनोद से जुड़ी कुछ खास खबरें आपके लिए लाए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे जो रूमर खबरें थी दोनों की शादी को लेकर उसमें कितनी सच्चाई थी और क्या कहना था रेखा का विनोद के साथ अपने रिश्ते को लेकर। तो फिर देर किस बात की, इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए बढ़ते हैं अपनी रिपोर्ट्स की तरफ। विनोद मेहरा एक ऐसे एक्टर जिन्होंने बॉलीवुड में तमाम फिल्में की, बॉलीवुड के लॉस्ट स्टार के नाम से भी विनोद मेहरा को खूब जाना जाता था, जिन्होंने बॉलीवुड में फिल्म अनुराग से लेकर अमर प्रेम जैसे ऐसे कहानियों में अपने आप को बखूबी बेहतर तरीके से ढाला कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। बता दें हम आपको, फिल्म अमर प्रेम और अनुराग के जरिए चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर विनोद मेहरा ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, जिसके बाद धीरे धीरे बॉलीवुड में तमाम फिल्मों के साथ उनकी पहचान बेहतर एक्टर्स की लिस्ट में हुई। लेकिन अपनी जिंदगी में कॉन्ट्रोवर्शियल अफेयर का भी सामना कर चुके थे विनोद मेहरा, जिन्होंने 45 की उम्र में हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ा। वो विनोद मेहरा अपनी ही कोस्टार रेखा के साथ अपनी पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे थे। कुछ सोर्सेस की माने तो तब विनोद मेहरा की शादी को लेकर ये तक खबर थी कि अपनी पत्नियों के अलावा रेखा के साथ भी विनोद ने शादी रचाई। जी हाँ, ये किस्सा काफी मशहूर रहा कि विनोद मेहरा के साथ रेखा गुपचुप शादी रचा चुकी थी, लेकिन इस बारे में रेखा ने हमेशा से उन अफवाहों का खंडन किया है। साल 2004 में दिए गए इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपनी गुपचुप शादी का खुलासा करते हुए बताया था कि विनोद सिर्फ उनके अच्छे दोस्त और वेल विशर थे। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विनोद के बेहद करीब थी रेखा। ये तक कहा जाता है कि विनोद मेहरा रेखा के साथ शादी करने के लिए अपने परिवार वालों के भी खिलाफ हो रहे थे। ये बात भी अपने आप में काफी ज्यादा अजीब है कि रेखा विनोद मेहरा का दिल तो जीत ली लेकिन उनके परिवार वालों का दिल जीत नहीं पाई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये भी कहना है रिपोर्ट्स का कि विनोद मेहरा ही वो शख्स थे जिनके माँ ने रेखा के खिलाफ अपना हाथ भी उठाया था। ये कहा जाता है कि चप्पलों से रेखा पर वार भी किया था। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है ये अब तक पता नहीं चल सका, लेकिन रेखा विनोद की बेहद करीब थी। ये कहा जाता है कि विनोद शादीशुदा होने के बावजूद रेखा के दीवाने हो चुके थे। इस जमाने की पॉपुलर स्टार रह चुके विनोद मेहरा बॉलीवुड के ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अमृतसर पंजाब में जन्म लेने के बाद 13 फरवरी को इस दुनिया में आने के बाद
तमाम फिल्म में बॉलीवुड कर दी। यंग एक्टर के तौर पर उन्होंने फिल्म रागनी में काम किया, जिसके बाद फिल्म एक थी रीता और एक अमर प्रेम अनुराग जैसी फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें अच्छी खासी लाइमलाइट मिली। इसके बाद विनोद मेहरा ने पहली शादी और दूसरी शादी के साथ रेखा के साथ अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर खूब चर्चा बटोरी। वैसे तो रेखा की जिंदगी में और कई स्टार्स का भी नाम जुड़ा, लेकिन विनोद के साथ भी उनका नाम बॉलीवुड के पर्दे से लेकर पर्दे के पीछे तक दर्ज हुआ था। फिल्मी पर्दे पर दोनों की शादी का सीक्वेंस भी था, जिसे लेकर लोगों ने ये माइंड में बैठा लिया कि वाकई में रेखा और विनोद एक दूसरे के लिए ही बने। 80 के दशक की बात करें तो धीरे धीरे विनोद मेहरा बॉलीवुड से पीछे होते गए। इसके बाद साल 1990 में मुंबई में ही उन्होंने 45 की उम्र में 30 अक्टूबर की तारीख को अपनी आखिरी सांसें ली थी। विनोद मेहरा सेकेंड हार्ट अटैक की वजह से जिंदगी को खो देते थे। लेकिन विनोद मेहरा की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो अरेंज मैरिज और फेल्ड अफेयर को लेकर भी विनोद मेहरा खूब चर्चा में रहे। 70 के दशक की बात करें तो मीना ब्रोका के नाम की उस लेडी के साथ विनोद मेहरा की शादी भी थी, जो वाकई उनकी जिंदगी में पहली मोहब्बत बनी थी। दरअसल ये अरेंज मैरिज थी, जिसकी वजह से विनोद मेहरा उस मैरिज को ज्यादा आगे नहीं ले जा सके। लेकिन फिर बाद में विनोद मेहरा ने अपनी जिंदगी को आगे फिर से चांसेस दिया। विनोद मेहरा की पहली पत्नी जब उनसे दूर हुई, तब वो अपनी ही को स्टार बिंदिया गोस्वामी के करीब आए। बिंदिया गोस्वामी के साथ उनकी शादी हुई और दोनों कई बार फिल्मों में साथ नजर आए और फिल्मी पर्दे के पीछे भी रोमांस करते नजर आए। 80 के दशक तक दोनों का रोमांस भरा सफर रहा, फिर गोस्वामी और मेहरा अलग हो गए। बता दें हम आपको, मीना के साथ 10 साल शादी के बाद मेहरा और गोस्वामी साथ रहे थे, लेकिन फिर विनोद मेहरा आगे बढ़े और फिर उनकी जिंदगी में रेखा भी आई। रेखा के आने के बाद विंध्या उनकी जिंदगी से दूर हो गई। कहा जाता है कि फिल्म मेकर जेपी दत्ता की वजह से विंध्या आगे बढ़ गई और विनोद मेहरा पीछे रह गए थे। 23 साल के विंध्या गोस्वामी ने विनोद मेहरा को छोड़ दिया था, वो काफी दुखी भी थे ये कहा जाता है। तब रेखा ने उनका साथ दिया और दोनों का प्यार भरा लम्हा सबके बीच सामने आने लगा। हालांकि अमिताभ बच्चन के साथ अपने कंट्रोवर्शियल अफेयर को लेकर खूब चर्चा बटोर चुकी रेखा विनोद के साथ भी अपने रिश्ते को मीडिया से छुपा नहीं पाई थी। विनोद मेहरा ने अपनी जिंदगी में 2 शादी के असफल होने के बाद तीसरी शादी भी, ये कहा जाता है कि तीसरी शादी उनकी रेखा के साथ हुई थी। हालांकि रेखा ने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। अपनी शादी के असफल एंडिंग की वजह से विनोद अपनी जिंदगी में काफी दुखी भी थे। ये कहा जाता है साल 1988 में उन्होंने किरण के साथ शादी रचा। किरण के साथ उनकी शादी होने के बाद एक प्यारी सी बेटी भी उन्हें हुई, लेकिन विनोद के जाने के बाद उनकी बेटी और उनकी पत्नी किरण और उनका बेटा रोहन सभी केन्या में जाकर शिफ्ट हो गए। साल 1990 में विनोद ने सबको छोड़ दिया और रेखा के साथ उनका अफेयर का किस्सा हमेशा के लिए बॉलीवुड के इतिहास में दर्ज रहा। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम अनटोल्ड लव स्टोरी, जिसमें हमने आपके बीच एक्स कपल रह चुके, किसी जमाने की ऑन स्क्रीन कपल रह चुकी रेखा और विनोद से जुड़ी खास बातों से आपको रूबरू कराया। उनकी शादी में कितनी सच्चाई थी इसका खुलासा हो चुका था। रेखा ने खुद से ही चुप्पी तोड़ते हुए सिमी ग्रेवाल के सामने अपना सच को बोला था कि वो सिर्फ और सिर्फ विनोद की दोस्त थी, विनोद उनके केयर टेकर थे, वेल विशर थे। और विनोद की शादी जब किसी और से हुई थी तो उनके नन्हे बच्चे जब उनकी गोद में थे, खुद रेखा उनके सामने थी। और ये सबूत है कि रेखा सिर्फ और सिर्फ उनकी दोस्त थी। हालांकि मीडिया की गलियारों में, बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में रेखा और विनोद का रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते की तरह हमेशा से अफवाहों में बना रहा, जिससे हमेशा से
कॉन्ट्रोवर्शियल अफेयर्स में बॉलीवुड की इतिहास शायद कभी भी खत्म होते नहीं देखा जाएगा। वक्त आ गया है आप सभी से यही इजाजत लेने का। तो आज के लिए इतना ही, लौटेंगे फिर हमारे इसी प्रोग्राम अनटोल्ड लव स्टोरी को लेकर कुछ और दिलचस्प किस्सों के साथ, इसी तरह से बॉलीवुड के किसी और कपल के साथ, अनसुनी और अनजानी कहानियों के साथ आप सभी के बीच। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ। अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूल। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।